करीब करीब 5,000 बच्चे एग्जाम देते थे सर, तो उस टाइम पे सर 1,000 रैंक 1,500 रैंक सर यही आती थी सर शुरुआत में। तो पिछले जो नोट सेट थे उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उनका सिलेक्शन हुआ था सर। जो डेली टेस्ट सीरीज का रहता है सर, तो वो मैं छोड़ता नहीं था सर। वो जो डेली टेस्ट सीरीज होती थी मैं उसको, मैं हमेशा मेरा वो ये टारगेट रहता था कि मेरे को इस पूरे दिन में इसको कैसे भी करके कंप्लीट, डेली डेली कवर करते थे तो रैंक में थोड़ा सुधार आने लगे थे, तो वो एक मोटिवेशन बना हुआ था सर। बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ ही एक बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स जिन्होंने लिए 128 रैंक्स और एक बहुत ही बड़ी सफलता इस नॉर्थ सेट 4.0 में। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अमित भाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अमित भाई? सर बहुत अच्छा लग रहा है। रियली एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया है और ये इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है। आज आपके संघर्ष की कहानी जानने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े जो आपने स्ट्रेटजी जो फॉलो की है उस स्ट्रेटजी को जानने वाले हैं। इस जो टॉप मोस्ट अगर बात करें तो जितने भी नॉट सेट हुए उस सब में सबसे हार्ड नॉट सेट के रूप में ये नॉट सेट माना गया है और लेट रिजल्ट आया है और बहुत सारे इस नॉट सेट ने संघर्ष दिए हैं और उस नॉर्थ सेट में आपने इतनी अच्छी रैंक को हासिल किया है। तो इस इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ जानने वाले हैं। इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर माय नेम इज अमित बेर, आई एम फ्रॉम कोटा। सर जो मेरा कॉलेज जो है सर मैंने जीकॉन कोटा से करी सर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफ कॉलेज कोटा। ओके, जीकॉन से आप पास आउट है। ओके, पासिंग ईयर कौन सा है आपका? सर मेरा 2022। ओके, 2022 के अंदर आपने पास आउट किया और 2023 के अंदर आपने जून के अंदर आपने ये सफलता हासिल कर ली है। तो ये 2022 के अंदर भी आपने नॉट सेट दिया था? हाँ तो दिया था सर, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था सर। ओके, 2022 के अंदर आपने नॉट सेट दिया था लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिली, इसलिए आपने सोचा कि अब 2023 का जो नॉट सेट आने वाला है, लेकिन ख्याल तो ये था कि सितंबर में आएगा लेकिन बीच के अंदर मिशन मोड आ गया और जून में ही आ गया, तो ये बहुत ही अच्छा फायदा आपके लिए हो गया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप जो तैयारी है, जो नॉर्थ सेट की तैयारी, इतनी बड़ी सफलता और इतने टफेस्ट एग्जाम में जो सफलता पाई है, इसकी तैयारी कब से शुरू हो गई थी? सर जो मेरी वो मैंने थर्ड ईयर से कंटिन्यू की थी। ओके, थर्ड ईयर से आपने पढ़ना शुरू कर दिया कि भैया मुझे नॉर्थ सेट तक जाना है और नॉर्थ सेट में अपन को सिलेक्शन लेना ही लेना है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लगातार आगे बढ़ रहे थे और 2022 के अंदर आपको सफलता नहीं मिली, तो टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ? सर टीएनसी के साथ जुड़ाव जो है मेरा सर अक्टूबर नवंबर से हुआ था सर। ओके, अक्टूबर और नवंबर से आप टीएनसी के साथ जुड़े, तो टीएनसी के साथ जो जुड़ा हुआ हो किस प्रकार से हुआ, या आपको सबसे पहले टीएनसी के बारे में कहां से पता लगा? सर जो टीएनसी के बारे में, तो सर जैसे हम पिछले जो नोट सेट थे उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उनका सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने भी वो टीएनसी से जुड़े हुए थे सर काफी समय पहले से, तो उन्होंने टीएनसी का सजेशन दिया था सर मुझे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मुझे याद है कि जो आपके साथी आपके इंजीनियर्स, और मैं तो ये बोलूंगा कि जीकॉन कोटा बिल्कुल मेरे दिल के करीब है और रियल में वहां से सारे विद्यार्थी टीएनसी से जुड़े हुए होते हैं। जितने भी सीनियर्स वहां से निकलते हैं तो जूनियर ऑटोमेटिकली टीएनसी के पास आते हैं और रियल में एक बहुत ही बड़ी सफलता लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है आपने वहां से टीएनसी के साथ जुड़ाव किया, और मुझे पता है कि आपने जो मैंने आपका रिकॉर्ड देखा है, आपने पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स और साथ ही साथ आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यूसली किया था, तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत लगातार आप चल रहे थे। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप टीएनसी के अंदर हमेशा जो वीडियो देख रहे थे, साथ ही साथ आप हमेशा एग्जाम दे रहे थे, तो जब आप एग्जाम दे रहे थे तो सबसे पहले जब आपने फर्स्ट टाइम जब एग्जाम अटेम्प्ट किया था तो कौन सी तो रैंक आई और कैसा लगा? रैंक थी सर नोट सेट में तो सर 7,000 रैंक ऐसे कुछ आई थी सर फर्स्ट बार में जब गया था, तो पर उसमें सिलेक्शन नहीं होता सर। ओके ओके, मैं ये जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जब आपने टीएनसी के साथ जब आपने जुड़ा हुआ, टीएनसी से आपने कंटिन्यूअसली टेस्ट सीरीज देना शुरू किया, तो टीएनसी में जब आपने पहला एग्जाम दिया था उस समय कौन सी रैंक आई? सर उस टाइम करीब करीब 5,000 बच्चे एग्जाम देते थे सर, तो उस टाइम पे 1,000 रैंक 1,500 रैंक सर यही आती थी सर शुरुआत में। तो ओके वेरी गुड, बहुत उस समय जो पिछले की बात कर रहे हैं कि उस समय आप 5,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो रहा था, उस समय आपने पहली बार एग्जाम दिया होगा और उसमें आपकी रैंक
बहुत ही अच्छी रैंक है, तो मैं फिर भी बोलूंगा कि बहुत ही अच्छी रैंक आ रही थी, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार आप लगातार टीएनसी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे कि हाँ मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है? किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे? सर जो डेली टेस्ट सीरीज का रहता है सर, तो वो मैं छोड़ता नहीं था सर। वो जो डेली टेस्ट सीरीज होती थी, मैं उसको मैं हमेशा मेरा वो ये टारगेट रहता था कि मेरे को इस पूरे दिन में इसको कैसे भी करके कंप्लीट, और जो भी इसमें रॉन्ग हो रहे हैं वो सारे मेरे को रिव्यू करने हैं, और जो भी है नोट्स वगैरह में लिखने हैं सर, छोड़ता नहीं था सर, मैं पूरा कंप्लीट करके ही करता था सर पूरा दिन। बहुत ही बड़ी बात कि छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं, और जो सुबह और शाम जो पेपर हो रहे थे उनको पूरा के पूरे पेपर को अटेंड करना ईमानदारी से, और जो उसमें मिस्टेक्स हुई उन गलतियों के ऊपर काम करना, ये आपकी पर डे एक डेली एक्टिविटी के रूप में हुआ करती थी। तो जब आप एग्जाम देते थे तो कभी कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि यार रोजाना दो पेपर हो रहे हैं, या कभी कभी रैंक पीछे आता था तो ऐसा लगा चलो छोड़ो यार अब तो बहुत हो चुका, अब थोड़े दिन आराम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, या आज एग्जाम नहीं देते हैं, ऐसा मन में कभी कभी फीलिंग आता था? हाँ सर, कभी कभी होता था सर, जैसे मतलब रूटीन कभी फॉलो नहीं हो पाता था सर, जैसे कहीं बाहर चल गए या फिर किसी वजह से रूटीन बिगड़ता था सर, तो उस टाइम पे लगता था। लेकिन सर डेली मोटिवेशन का आता था, और फिर मतलब शुरुआत में तो उस टाइम पे तो ये रहता था कि रैंक अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही वो डेली डेली कवर करते थे तो रैंक में थोड़ा सुधार आने लगे थे, तो वो एक मोटिवेशन बना हुआ था सर। ओके, डीमोटिवेशन तो आता था लेकिन वो वापस से डेली डेली जो रैंक आती थी उससे मोटिवेशन फिर से आ जाता था, और वापस से उठ करके कि भाई निकालना ही है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही एक शानदार आपने स्ट्रेटजी बताई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने इस बार नॉर्सेट का जो बहुत ही टफेस्ट एग्जाम माना था 4.0, तो इसके अंदर आपने एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम दिया, तो उस समय आपको भी लगा था कि हाँ यार रियली एक टफेस्ट पेपर आ गया है? जी सर, उस टाइम पे मतलब जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा लेंथी थे, वो सर कि है ना ऐसा लगता रहा था सर सिमिलर है, पर वो थोड़ा मतलब लेंथी था सर, पेपर काफी लेंथी था इस बार। पेपर जरूर जरूर लेंथी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई पेपर तो टीएनसी में जैसे हम दे रहे हैं वैसे ही सिमिलर है, ऐसा कोई बदलाव देखने को वहां पे नहीं मिल रहा था, लेकिन कंटिन्यूसली पेपर का जो लेवल था, जो लेंथी लेवल था, वो ज्यादा लेंथी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाने की वजह से अभी जो मैं बहुत सारे बच्चों के स्कोर कार्ड देखता हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन स्किप हुए हैं, तो उनका यही एक आउटकम आता है कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेंड किए? 160 लग गया था कि जब एग्जाम थे काफी सारे, तो मैंने मुझे लग गया था सर जो है या फिर माइनस मार्किंग जो है काफी ज्यादा हो जाएगी अब ज्यादा बढ़े तो आगे, तो सर मैं 160 तक रुक गया सर उसके बाद। ओके बिल्कुल, और ये जो माइनस मार्किंग जो आपके दिमाग में एक जो वर्ड आया था कि भैया माइनस मार्किंग ज्यादा हो जाएगी, तो इसका कंट्रोल कहां से आया? सर जो एरर जो है सर वो टेस्ट सीरीज के थ्रू ही दूर जा सकती है सर, और कोई विकल्प नहीं है सर इसका। ओके गुड, आपने जो बताया कि माइनस मार्किंग का जो एरर है वो इसका एक ही विकल्प है, वो है सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस और टीएनसी की टेस्ट सीरीज के साथ आप लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल एरर कम हो जाते हैं, और टाइम मैनेजमेंट के साथ आपकी बहुत ही अच्छी जो प्रैक्टिस हो जाती है। बहुत ही शानदार आपने बात बताई है। चलो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं इस समय जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स आपके कॉलेज के बच्चे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो और अगले जो नॉर्सेट 5.0 के लिए वो मेहनत कर रहे हैं और जिस जान से वापस से लग गए हैं और टीएनसी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आप ही की तरह एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करें? सर मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि वो थर्ड ईयर से पहले तो गाइड वगैरह है सर, तो वो नॉर्मल निकालते रहे सर उनको गाइड को थर्ड ईयर निकालते रहे, फिर वो चाहे कहीं से भी कोचिंग करें पास आउट होने के बाद, पर मतलब टीएनसी टेस्ट सीरीज तो मस्ट है सर, वो तो आपको लेनी पड़ेगी किसी भी हालत में, क्योंकि उसके बिना तो फिर वो जो बार बार रिपीटेशन होता है सर वो इतना लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाता सर वो उस वजह से। वेरी गुड बहुत अच्छी बात है ये कि भैया आप कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने घर के नजदीक में ऑफलाइन कोचिंग होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन है, ऑनलाइन के लिए तो टीएनसी हमेशा अवेलेबल है ही है, और लेकिन जो ऑफलाइन के बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे जैसे मान लो कोई बच्चे राजस्थान में बैठा हुआ, कोई दिल्ली में बैठा हुआ कि भाई मुझे तो ऑफलाइन ही करनी है, तो ऑफलाइन कोचिंग कहीं से भी कर सकता है, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए तो उसको टीएनसी के साथ आना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी उसका बेड़ा पार होगा। ये बहुत ही बड़ी बात आपने बताई है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे सजेशंस इन सारे बच्चों को दिए हैं और ये सजेशन बहुत सारे बच्चे फॉलो करेंगे और लगातार आप ही की तरह आपके इस स्कोर कार्ड को इससे अच्छी रैंक को लाने में सफल होंगे। तो इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप अपना नाम साथ ही साथ माता पिता का नाम साथ ही साथ जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया जीकॉन कोटा का नाम और टीएनसी का नाम रोशन करते रहे।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।